हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू रूपम किड्स स्पेशल। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या होते हैं और कैसे हम बच्चों को साइट वर्ड्स पढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी लिस्ट ऑफ 100 साइट वर्ड्स एंड कुछ वर्कशीट एंड फ्लैश कार्ड, जिनके थ्रू आप बच्चों को इजीली साइट वर्ड्स पढ़ा सकते हैं, जो उनको इंग्लिश रीडिंग में बहुत हेल्प करती है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइट वर्ड्स? साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच आर मोस्ट कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। साइट वर्ड्स पढ़ने में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि इन वर्ड्स को पढ़ने के लिए कोई फोनिक रूल नहीं होते हैं। हम पिक्चर्स के थ्रू भी बच्चों को साइट वर्ड्स नहीं पढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर हम अलग अलग एक्टिविटी एंड वर्कशीट की हेल्प से बच्चों को साइट वर्ड्स पढ़ाएंगे, जिससे वे फ्लुएंट इंग्लिश रीडर बन सकें। सो ये है लिस्ट ऑफ 100 साइट वर्ड्स। आप इस तरह से साइट वर्ड का एक चार्ट बनाकर उनके रूम में लगा दीजिए और बार बार उन्हें रीडिंग प्रैक्टिस करवाइए। इससे जब बच्चे बार बार इन साइट वर्ड्स को देखते हैं, रीड करते हैं, तो वे बहुत जल्दी साइट वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं। जैसे द, ऑफ, एंड, ए, टू, एट, बी, टी एच आई एस, दिस, एच ए वी ई, हैव, बट। इस तरह से आप उन्हें इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट आप उन्हें इस तरह से कुछ फ्लैश कार्ड बना कर दीजिए, जिसमें एक फ्लैश कार्ड में आप 5 to 6 वर्ड्स लिखिए और 1 to 2 दिन उन्हें प्रैक्टिस करवाइए। जब बच्चे को ये वर्ड्स लर्न हो जाते हैं, तो नेक्स्ट आप उन्हें 1 by 1 करके अदर फ्लैश कार्ड भी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। जब बच्चे को साइट वर्ड्स को अच्छे से रीड करना आ जाए, वे साइट वर्ड्स को देख कर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट आप इस तरह की कुछ वर्कशीट के थ्रू भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो फर्स्ट वर्कशीट है साइट वर्ड्स रीडिंग एंड कलरिंग एक्टिविटी। यहाँ पर बच्चे को सेंटेंस को रीड करना है और साइट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और दिए गए कलर के अकॉर्डिंग कलर फिल करना है। जैसे ही इज एन एम्पायर, तो इज इसके लिए यहाँ पे पिंक कलर है, तो बच्चे पिंक कलर फिल करेंगे। इसी तरह से आई हैव अ पेंसिल, आई के लिए यहाँ पे स्किन कलर, तो बच्चे यहाँ पे स्किन कलर फिल करेंगे। हैव, ये भी एक साइट वर्ड है, तो बच्चे यहाँ पे भी कलर फिल करेंगे। आ, ये भी एक साइट वर्ड है, तो यहाँ पे बच्चे अगेन कलर फिल करेंगे। इस तरह से उन्हें सेंटेंस को रीड करना है और जो भी कलर उन्हें साइट वर्ड्स में दिए गए हैं, उन कलर को आइडेंटिफाई करके कलर फिल करना है। जैसे द आइसक्रीम इज कोल्ड, तो यहाँ पे द और द के लिए यहाँ पे पर्पल कलर, तो वो यहाँ पे पर्पल कलर फिल करेंगे। इज, इसके लिए पिंक कलर, तो यहाँ पे पिंक कलर फिल करेंगे। इस तरह से आप ये पूरी वर्कशीट बच्चों को कंप्लीट करवाइए, उन्हें सेंटेंस रीड करने के लिए कहिए और दिए गए कलर के अकॉर्डिंग कलर फिल करने के लिए कहिए। नेक्स्ट आप उन्हें साइट वर्ड्स मैचिंग करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कुछ सेट ऑफ साइट वर्ड्स को लिख दीजिए और उन्हें साइट वर्ड से साइट वर्ड्स को मैचिंग करने के लिए दीजिए। जैसे द, तो बच्चे को यहाँ पे रीड करना है और द को आइडेंटिफाई करके मैच करना है। इस तरह से ओ एफ ऑफ, इस तरह ए एन डी एंड, ए टू इन, इज, यू, टी एच ए टी दैट, IT, इस तरह से आप बच्चों को स्पेलिंग्स को रीड करके उन्हें मैचिंग करने के लिए कहिए, जिससे बच्चे साइट वर्ड्स को लर्न भी करेंगे और ये एक एक्टिविटी है जो उनको करने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगी। नेक्स्ट आप उन्हें रीडिंग करने के लिए इनकरेज करिए। इसमें हमें 4 to 5 साइट वर्ड्स लेना है और इनके थ्रू सेंटेंस को फॉर्म करके बच्चों को रीडिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने द, शी, इन, हैव, आई और इस को लिए हैं और इन्हीं साइट वर्ड्स के थ्रू मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। जैसे आई हैव 2 dolls, तो यहाँ पे आई साइट वर्ड है, बच्चे को सर्कल करने के लिए बोलिए। हैव,
हैव भी एक साइट वर्ड है, इसे बच्चे को सर्कल करने के लिए बोलिए। तो इस तरह से बच्चे सेंटेंस को रीड करने के लिए आप उन्हें इनकरेज करिए और साइट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके सर्कल करने के लिए भी बोलिए। द टी इज हॉट, तो यहाँ पे द एक साइट वर्ड है, सर्कल कर देंगे। इज भी एक साइट वर्ड है, इसे भी सर्कल कर देंगे। दिस इज अ डॉग, तो दिस ये भी एक साइट वर्ड है। इज अ ये भी एक साइट वर्ड है, तो हम इन्हें सर्कल कर देंगे। द फिश इज इन द बाउल, तो द ये साइट वर्ड है। इज ये भी साइट वर्ड है, इन ये भी साइट वर्ड है और द। तो इस तरह से बच्चे को सेंटेंस भी रीड करना है और सेंटेंस को रीड करते समय उन्हें साइट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उसे सर्कल भी करना है। जब आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवा लेते हैं तो इसी तरह से आप एक दूसरा सेट भी प्रिपेयर करिए, फिर आप कुछ नए साइट वर्ड्स को इंक्लूड कीजिए और उनके थ्रू सेंटेंस को आप लिख दीजिए और बच्चे को रीडिंग के लिए इंकरेज करिए। जैसे आई कैन रन, तो यहाँ पे आई साइट वर्ड है, कैन बी साइट वर्ड है। इस तरह से बच्चे को सर्कल करने के लिए कहिए। द बॉय हैज अ पेट, तो द साइट वर्ड है, हैज साइट वर्ड है और आ भी साइट वर्ड है। द बैट इज ऑन द बैट, तो यहाँ पे द साइट वर्ड है, इज भी साइट वर्ड है, ऑन भी साइट वर्ड है एंड द अगेन साइट वर्ड है। तो इस तरह से बच्चों को आप रीडिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। साइट वर्ड्स जितने जल्दी बच्चों को लर्न होते हैं, बच्चे उतनी ही जल्दी रीडिंग करना भी सीखते हैं। उनके लिए रीडिंग बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि साइट वर्ड्स फ्रिक्वेंटली अपीयर्स होने वाले वर्ड्स होते हैं, जो बुक्स में टेक्स्ट बुक में फ्रिक्वेंटली अपीयर्ड होते हैं। तो उनको जब बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है तो वो एक फ्लुएंट रीडर बनते हैं। सो पेरेंट्स, हमने देखा लिस्ट ऑफ साइट वर्ड्स, फ्लैश कार्ड और कुछ वर्कशीट जिनके थ्रू आप इजिली बच्चों को साइट वर्ड्स लर्न करवा सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम टूपम किड्स स्पेशल।